नमस्कार भाई दोस्तों। वैसे तो गोदी मीडिया ने और पंजाब की बिकाऊ मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया है कनाडा वाली घटना के बारे में। हकीकत में वो घटना क्या थी, किसी को अगर वो चाहिए तो बता देंगे, पूरा सारा सब कुछ है घटना क्या थी। पहले तो एक बात सुनो, हरियाणा से पंजाब से जो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अपनी ज़मीन बेच के पैसा इकट्ठा करके तब बच्चों को विदेश भेजते हैं, वही बच्चा जो यहाँ पर सीख रहा था वही धर्म का जातिवाद का खेल, वो जाकर विदेश में करता है। एक तो माँ बाप के पैसे डुबोता है, दूसरा फिर जो गंदा खेल यहाँ पे चल रहा है वही खेल वहाँ जाके खेलना, तो माँ बाप के पैसे भी क्यों खराब कर रहे हो, क्यों खराब किए जा रहे हैं माँ बाप के पैसे। सबको पता है कनाडा के अंदर वेस्टवुड मॉल गुरुद्वारा के पास जो घटना हुई, वैसे तो गोदी मीडिया ने और पंजाब की बिकाऊ मीडिया ने कोई कमी तो छोड़ नहीं रखी उसको पूरा वो बनाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए। ये पूरा का पूरा क्यों किया जा रहा है किसी की समझ में आया अभी तक? सिर्फ और सिर्फ पंजाब को चारों तरफ से टारगेट किया जा रहा है, ये बात आपको बार बार बोलता आया था। अब ध्यान से एक एक बात को सुनना और आप अपनी राय रख सकते हो, लेकिन राय रखना राय दिमाग से रखना, कहीं ये ना हो कि अपने गोदी मीडिया वाला काम कर दो। नंबर एक बात, तिरंगा कब कब फहराया जाता है किसी को पता है, या सिर्फ तिरंगे का सहारा लेकर कोई खेल खेलना चाहते हो? क्या इज्जत करोगे तुम तिरंगे की? तुम्हें पता है इस तिरंगे में लिपट के कितने अपने सैनिक शहीद होकर आते हैं? क्या इज्जत रख रहे हो तुम उनकी? तुम उनका भी अपमान कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पता है, तिरंगे की महत्ता का पता है, तिरंगा कब फहराया जाता है? या तिरंगे का अपमान ना लेकर तुम्हारे को करनी है कंट्रोवर्सी ही करनी है? दिवाली सबको पता है, दिवाली भी थी और बंदी छोड़ दिवस भी था, मनाओ। सब दिवाली भी मना रहे थे, बंदी छोड़ दिवस भी मना रहे थे, उसके बीच में तिरंगे का क्या रोल था? कोई बताएगा समझदार आदमी मेरे को? तिरंगा हाथों में लेकर भारत माता की जय फलानी जय जाकर वहां पर तुमने कंट्रोवर्सी शुरू की, थोड़ी बहुत शर्म आती है? तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ पर एक एक पाई जोड़ के तुम्हारे को विदेश में भेज रहे हैं, और तुम वहां पर जाके इन जो गंदे घटिया लोग हैं ना, गंदी राजनीति करते हैं, उनके हाथों का जाके फिर खिलौना बने रहे हो। क्यों जा रहे हो फिर विदेश में, नाम खराब करने के लिए? दूसरी बात, सबसे बड़े बेशरम है वो जो तिरंगा लेके गए थे, तिरंगे की बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारे को तिरंगे का मतलब का नहीं पता है, उठा लेते हैं बस बीच में तिरंगा लेके आ गए। एक तो तिरंगे का वैसे ही मखौल बना दिया, तिरंगे को बेचा जा रहा था, तिरंगे को ही धंधा बना दिया, सबसे बड़ा मखौल तो यहाँ पे हुआ था। उससे बड़ा मखौल तिरंगे को बीच में लाके वो अगर अपना बंदी छोड़ दिवस मना रहे, तुम अपनी दिवाली मनाओ, वहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हो और फिर जानबूझ के तुम उनके साथ गुथम गुथा कर रहे हो। अगर तुम इतने ही अच्छे और सच्चे होते तो पुलिस फिर तुम्हारे को क्यों पकड़ती? क्यों पकड़ती? वो तो शुक्र मनाओ कि विदेशों का कानून ऐसा है कि इतनी जल्दी किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेता, छोटे मोटे उसको वैसे ही छोड़ देता है। अगर भारत में यही सब करते ना और तुम ये करके दिखाते ये सब, तो पता लगता तुम्हारे को कि पुलिस कैसे क्या कार्रवाई करती है। तुम जाके विदेश में जाके और तिरंगे का सहारा लेके और तुम कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हो, बेशरम हो, बेशरम ही रहोगे। ऊपर से गोदी मीडिया ने कोई कमी ही नहीं छोड़ी, कौन सा न्यूज चैनल है वो जिसने बितलू इतना गंद मचा दिया? और ऊपर से पंजाब के कुछ चैनल, बड़े चैनल बोलते हैं अपने आप को, बिकाऊ चैनल हो, बिकाऊ, वो बिकाऊ माल क्या दिखा रहा है फिर वहां पे? क्या बोला था उन्होंने? वीडियो हैं मेरे के, मेरे पास पूरे के पूरे वीडियो हैं, एक घटना के वीडियो। मैं सोच रहा था चलो अपने आप ही सुधार आ जाएगा, लेकिन सुधार तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी आएगा नहीं। और सबसे बड़े बेवकूफ़ वो लोग जो इन चैनलों को देखते हैं, गोदी मीडिया को और पंजाब के जो बिकाऊ चैनल हैं इनको देखते हैं। ठीक कहा था दलजीत कलसी भाई ने, ये बिकाऊ चैनल ना ये आपके दिमाग में इतना कचरा भर देंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कौन अपना है और कौन पराया है। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। अब सुनना इनका इलाज क्या है, इनका इलाज बताएंगे आप, शांति से सुनना इनका इलाज। ये चैनल कोई भी चैनल है, ये क्यों आगे बढ़ते हैं? पहले ये लोग दिखाते हैं हमारे यहाँ लोगों को क्या पसंद है वो चीज़ें दिखाएंगे, हम लोग क्या उनसे जुड़ जाएंगे, भाई ठीक है ये हरियाणा की दिखा रहा है, ये पंजाब की दिखा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा बोल रहा है। और फिर आ जाते हैं जैसे ही उनके चैनल पर मिलियन दो मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, फिर वो अपना खेल शुरू करते हैं खेल, और बड़े दिमाग से उस खेल को शुरू करते हैं वो। फिर वो वही चीज़ दिखाते हैं जो सरकारें चाहती हैं, जो खेल खेलना चाहती है सरकारें। क्या सोच रहे हो, ऐसे ही छोटा है इसको बलात्कारी को, और ऐसे ही बोल रहे हैं कि एक इसका डेरा बनेगा पंजाब के अंदर, पूरी कंट्रोवर्सी की जाएगी, 84 की आग में दोबारा झोंका जा रहा है पंजाब को। लेकिन अब की बार ये पता कहाँ पे मार खा रहे हैं, ये मार खा रहे हैं कि हरियाणा साथ खड़ा है, हरियाणा साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हरियाणा वालों को भी अपनी आँख नाक कान सब कुछ खुले रखना चाहिए। पंजाब के ही कुछ भाई बोलने लगे ये देखो विदेशों में सरदारों ने क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया सरदारों ने, अपना आराम से बंदी छोड़ दिवस मना रहे थे, और जो बात सभी बोलते आए हैं राज करेगा खालसा, इसमें दिक्कत क्या? हम भी बोल रहे खालसा राज पूरे देश में स्थापित, पूरी दुनिया में स्थापित होना चाहिए खालसा राज,
ताकि जो ये बलात्कार हो रहे, चोरी डकैती ये सब हो रहा है ना, ये नहीं होगा। शुद्ध राज होगा तो ये क्यों होगा? लेकिन शुद्ध राज है कहीं पे? आपको लग रहा है कहीं पे शुद्ध राज है? एक तरफ तो तुम रिश्तेदारी निकाल देते हो, पता नहीं कोई अपने देश का है भी या नहीं है, बस नाम देखकर रिश्तेदारी निकालना शुरू कर देते हो। जो अपने हैं उनके ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो, उनको तुम चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई सवाल करे तो उसके पीछे लग जाओ। सोच समझ के बताना एक बार, तिरंगा कब कब फहराया जाता है और तिरंगे की क्या महत्ता है? जो ये तिरंगा लेकर ड्रामा करते हैं ना, एक बार इनसे तिरंगे की महत्ता पूछना, इनको तो ये तक भी नहीं पता मिलेगा कि इसको तिरंगा क्यों कहा जाता है, तिरंगे का अर्थ क्या है वो भी नहीं पता मिलेगा इनको। सच्चाई है इस बारे में। ये लोग जो करते ना कंट्रोवर्सी करते हैं, ऐसे लोगों को सीधा इलाज देखते क्यों इनको? पहली बात तो आप फिर उन चीज़ों को दबा के वायरल भी करते हो, दबा के वायरल करते हो। कोई अगर कंट्रोवर्सी करता है तो उसको दबा के वायरल करते हो। आज अभी कोई अमृतपाल के पास जाएगा और इंटरव्यू लेगा ना, और अमृतपाल को उल्टा सीधा बोलेगा, उसको आप दबा दब शेयर करोगे, ये देखो इसके पास ये जवाब नहीं था। अरे बिना बात का कोई जवाब होता क्या? अभी कोई जाके पूछे कि आप पंजाब में क्यों पैदा हुए थे, कोई सवाल है क्या? ये आप पंजाब में ही क्यों आए, ये सवाल है? कोई सवाल पूछने का कोई तरीका होता है? वो तरीका इन लोगों के पास नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है। राजक्रिया खालसा बोल, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। इन्हें खालिस्तानियों के बलबूते पे है ना तुम बैठे हुए हो यहाँ पे। कुर्बानियां देखे हो ना, इनकी 90% कुर्बानियां हैं। इस संयुक्त पंजाब की और बंगाल की कुर्बानी निकाल दो ना देश की आजादी में, तो किसका योगदान था बताना एक बार? है किसी का योगदान? किसी का कोई योगदान नहीं है। फिर तुम बात कर देते हो, तुम्हारे को तकलीफ, छोटी छोटी बातों से तकलीफ हो जाती है। संत जी का फोटो लगा दो तो तुम आतंकवादी घोषित कर देते हो। कोई अगर अच्छी बात बोले, किसानों की बात बोली, तो तुम देशद्रोही और गद्दार घोषित करते हो। किसान अपना हक मांगने चले, लाठियां डंडे गोलियां वाटर कैनन जेल में डाल दिया, केस लगा दिए, क्यों? ये हो क्या रहा है? कभी इस पर जो सवाल करे तो वो देशद्रोही और गद्दार है, वो गद्दार घोषित कर दिया जाता है। और जो कनाडा वाले वीडियो है ना, पूरे के पूरे है मेरे पास। किसी भाई को चाहिए ना तो आराम से कमेंट कर देना, व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट करना, वो वीडियो भेज दूंगा आपके पास। उन वीडियो को ध्यान से देखना, आपके बच्चों के दिमाग में कौन सा कचरा भर दिया गया है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9518883630, नाम दीपक फौजी, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है। पता है रिपोर्ट तो तुम हर जगह मारते हो, तुम पेज पर ही मारते हो, दीपक फौजी पेज पर ही मारते हो, तुम अब यहाँ भी शुरू हो जाओगे, लेकिन सच्चाई बोलने से नहीं रोक पाओगे। अगर ये यहाँ पे तो ये वीडियो दूसरी चैनल पे भी आ सकता है, फिर क्या करोगे? लेकिन तुम्हारे दिमाग का कचरा है ना, कचरा कभी तो निकलेगा। कोशिश कर रहे हैं, तुम मजबूर करते हो अगले को कि वो तुम्हारे को तुम्हारे ही जैसा बन के जवाब दे। इतना भी मजबूर नहीं होना, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, इनको इग्नोर कर दो, ये वहीं पर मर जाएंगे, वहीं ख़त्म हो जाएंगे, इनको इग्नोर करो। लेकिन ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा घर में जा के ऐसी हरकतें करते हो, गुरु घर में जा के ऐसी हरकतें करते हो जिससे तुम्हारे को जवाब देना पड़ता है। फिर जिस साथी की समझ में आता है ना, जो कनाडा वाला जो क्या कांड दिखाया जा रहा है, पूरा कांड बताया जा रहा है, उसको कुछ नहीं था। वो एक तरफ अपना बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं, अपनी दिवाली भी मना रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में मना रहे थे। तुम्हारे को तकलीफ होती है क्या? अगर कोई एकता की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, तुम्हारे को तकलीफ हो जाती है? ये तकलीफ है ना तुम्हारी, ये बढ़ने वाली है। अभी जिस दिन संयुक्त पंजाब एक होने की घोषणा होगी ना, उस दिन तुम्हारी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उस दिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या गया, उस दिन तुम्हारा सही ढंग से भी इलाज होगा फिर। और जो ये बार बार गुरु की बेदबिया रुक गई क्या कहीं पे? जो बोलते हैं कि ये करो वो करो, रोक दी गुरु की बेदबिया, सरकार बनाई थी इसी नाम पे, क्या कर दिया क्या ये सब? मत टारगेट करो पंजाब को। तुम अब टारगेट कर रहे हो ना, तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 84 में क्या था, उस समय पर पहले हरियाणा का मन अलग किया गया था, हरियाणा को भी अलग कर दिया था, यूपी को भी, राजस्थान को भी, हिमाचल को भी अलग कर दिया था। अब लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, और भला हो उस आंदोलन का जिसकी वजह से दिल जुड़े। आंदोलन जीतते हारे वो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम दिल तो मिल गए संयुक्त पंजाब के लोगों के। पता तो चला कि हमारी मांगे एक हैं, हमारे दुख तकलीफ दर्द एक, हमारा DNA एक है, हमारा खून एक है। और जब ये खून खून को पुकारेगा ना, भूल जाना उस दिन तुम्हारा कोई खेल कामयाब नहीं हो पाएगा, ये याद रख लेना। उस दिन एक भी खेल तुम्हारा कामयाब नहीं हो पाएगा, जिस दिन खून ने खून की पुकार सुन ली उस दिन खेल कामयाब नहीं होगा। और ये सब एक ही खून है, संयुक्त पंजाब एक खून है, एक DNA है। ध्यान देने की जरूरत है बस लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे ना तुम अपना कोई खेल नहीं खेल पाओगे। पंजाब को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, सभी भाई सहयोग करें, चाहे यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, जम्मू से, सभी सहयोग करें पंजाब का। और किसी को भी ये महसूस ना होने दे कि पंजाब अकेला, पंजाब अकेला नहीं, अब संयुक्त पंजाब है।
जिससे बड़ी बड़ी सरकारें अंग्रेज तक डरे हुए थे उससे संयुक्त पंजाब से, तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है। जब वो गोरे अंग्रेज नहीं रहे तो काले अंग्रेज भी जाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो शेयर करना आपका काम है, सच्चाई दिखाना हमारा काम है, और वीडियो प्रूफ के तौर पर कहीं तुम फिर कोई कंट्रोवर्सी कर दो। नमस्कार भाई दोस्तों।